हमारे पति की ना एक प्रॉब्लम है। और हमारी शायद उसी से बात हो रही है। लाला, लगता है बचपन में तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। अगर नहीं पिया तो आ, अपनी माँ समझ के मेरा दूध पी। समझ रहे हो? कुछ भी बोल, गया ही अपनी माँ पे। अरे नहीं रे, अपने बाप पे गए। नहीं नहीं, सामने दही वाले पे गए अपना राजू भाई। एक बात बताओ, उसने अपनी दही आपके फ्रिज में कभी जमा? उसने अपनी दही आपके फ्रिज में कभी जमा? कितनी अच्छी बातें करते हो आप। अच्छा वैसे यहाँ आना कैसे हुआ आपका? दूध दे दो। मैं दूध नहीं देती, मेरी भैंस दूध देती है। आई मीन्स भैंस दूध दे दो। सबर करो। वो बात तो ठीक है, लेकिन पेप्सी अभी घर पे नहीं है और दूध वही निकालता है। तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। एक्सक्यूज मी, आप मास्टर जी हो? हाँ मैं मास्टर जी हूँ। वैसे मेरे पति तो घर पे नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो दूध निकाल सकते हो। अच्छा ये बताएं, आजकल के लड़के इतने ठरकी क्यों हैं? देखें, ठरक एक ऐसी चीज है जो हर किसी में होती है, लड़कियों में भी है, लड़कों में भी है, बुड्ढों में भी होती है। वो अलग बात है कि कोई शो करता है कोई शो नहीं करता। ये अल्लाह ताला ने हर इंसान में ये मादा डाला ठरक होने वाला। जी लाजमी है, जो नहीं है वो फिर ना मर्द है। प्यार कितनी बार हुआ? जो लड़की मुस्कुरा के देखती है मुझे उससे हो जाता है प्यार। अच्छा अब इस वक्त कोई गर्लफ्रेंड है? कोई एक नहीं इस टाइम कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स लोगे वो किसको सेंड करो? आपका नंबर अगर मिल गया तो। बड़ी तुमने बात की। अपने अभी भी कहा ना कि प्यार मोहब्बत से लोग अपन को क्या बुलाते। कितना हल्का टेल है तू, लाइन नहीं मानने का। मैं धंधे वाली हूँ, जो करना है जल्दी कर। तो क्या धंधे वाली का दिल नहीं होता क्या? नहीं, सिर्फ बिल होता है। ये देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति पकड़ा गया है, जो कि आप देख सकते हैं ये गांजा गांजा जो बेच रहा था ये पकड़ा गया है। और कुछ बेचता है कि खाली गांजा ही बेचता है? बताओ बताओ, बोलो जी। कुछ बता ही नहीं रहा है, मुंह में लड़ रहा था। लड़ता माँ चूत गई, गान मरवाएगा, गांजा बेचेगा, बता भी नहीं रहा साला। ये सब थोड़ा बेकार चीज है। ये देखिए जैसा कि देख सकते हैं गांजा बेच रहा था। यहाँ भी ये देखिए लग रहा है कि ये गांजा ही है। देखते हम लोग इधर थोड़ा। गांजा ही है, बढ़िया है। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर, हेलो। अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है बोलिए। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। भगवान, अरे बेंचूत गांड फाड़ू केला। अरे भाई कितने का दिया गांड फाड़ू केला? 10,000 के दो। क्या क्यों फट गई ना गांड? जीजा जी कितना उतावले हो रहे हैं हनीमून के लिए। अरे हाँ श्रीकांत चोज दिस फॉर मी। कितने ब्रॉड माइंडेड है ना। अरे बट हाउ ब्रॉड डज यू थिंक यू आर? ये मम्मी का साइज का क्यों है?
इससे छोटी ड्रेसेस तो मैं अपनी पार्टीज में पहनती हूँ। और बाय द वे शाम को ये येलो मत पहनना क्योंकि जिस पे सूट नहीं करेगा। ओके मैं नंगी आ जाऊंगी, आई एम श्योर वो सबको सूट करेगा। यारी कितनी औसम है। अब छोड़ो भी, पहले जाके नहा लो, भूख लगी होगी ना, खाना लगाती हूँ फिर ढेर सारी बात करेंगे, ठीक है? ओ यार भूख तो मुझे वैसे बहुत लगी है लेकिन डाइनिंग टेबल पर की नहीं। भाई तूने दारू पी रखी है? नहीं भाई, तुझे लगता है क्या यार मैं दारू पीऊंगा? हाँ भाई हम जानते हैं कि तू दारू नहीं पीता है क्योंकि तुझे तो ऑलरेडी जहरीले लंड के नशे हैं। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे। अच्छा ऐसा है ना कि तुझे खोने के बाद नॉर्मल इंसान तो छोड़ मीठे तक याद नहीं करेंगे। गजब बेइज्जती है। क्या बात कर रही है? हमारे यार चेतने का था मारते भी। अरे नहीं नहीं मैं तुम नहीं, थोड़ा बहुत लिख लिया करूँ। हाँ तो थोड़ा बहुत कह रहे और के प्रस्ताव पर डली। अच्छा तो फिर सुनो तो अर्ज किया है। वाह 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 वाह। अच्छा मोहब्बत हो गई है? ओह तुमसे हो गई है। अच्छा जिंदगी लेनी है हमारी, हम बुरे हैं यार तुम्हें नहीं मिल सकते। अच्छा बात सुनो, पसंद बुरी नहीं तुम्हारी। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चेतना एक और, तू नहीं मैं सुनाऊंगा। ना सुन लेना, बढ़िया सुनाऊंगा ना। अरे नहीं नहीं सुनाने दो ना। आंखें मूंद भी लूं तो भी तू दिखती है। दिखती है भाई, दिखती है। आंखें खोल लूं तो भी तू दिखती है। दिखती है भाई, दिखती है। रानी तू गुंडी शक्ल की है फिर क्यों इतना मेकअप लिपती है? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, मजा आए।